हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मस्त होंगे एकदम मेरी तरह। तो गाइज, अभी टाइम हो रहा है लगभग 10 के करीब। मैं लंच और ब्रेकफास्ट दोनों के साथ में ही तैयारी कर रही हूँ। लंच में आज लौकी के कोफ्ते बनाने हैं, तो मेरे को बेटू के लिए और बाबा के लिए उनके पकौड़े बनाने थे बेसन के, तो मैंने कहा लंच की भी तैयारी कर देते हैं साथ में। तो अभी मैंने उसको कद्दूकस कर लिया है पूरा अच्छे से लौकी को, और बेसन में मसाले मिला के इस तरीके से पकौड़े बना लिए हैं उसके। और इसके जितने भी पकोड़े बने बना के साइड में रख दिया। लगभग 2-2.5 घंटे बाद फिर सब्ज़ी बनेगी, क्योंकि अभी तो ब्रेकफास्ट का टाइम हो रहा है। लेकिन सारे काम एक साथ निपटाए दे रही हूँ मैं। पकोड़े अच्छे से फ्राई हो गए हैं, निकाल लेते हैं इनको एक प्लेट में। गाइस, लगभग 10:30 का टाइम हो रहा है और बेटे और उनके बाबा के लिए बना रही हूँ आलू के पकोड़े। तो आलू बस पतले पतले काट लिए हैं। मेरे बेटे को वही वाले टाइप की पसंद है, क्योंकि सॉस से खा लेता है मज़े से। तो बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में पकौड़े, आप लोग भी खा लीजिए, गर्मा गर्म है एकदम। और गाइज, इसमें मैंने बेसन के साथ थोड़ा एक मुट्ठी मैदा और 2 मुट्ठी सूजी डाली है, तो इतने क्रिस्पी बने थे। हस्बैंड भी कह रहे थे कि आज के पकोड़े इतने क्रिस्पी कैसे हैं। इनफैक्ट मम्मी भी कह रही थी, तो आप लोग भी ट्राई कीजिए ऐसे। और गाइज, अभी दोपहर के लंच की भी तैयारी कर रही हूँ साथ में। तो मैंने गर्म मसाले सब डाल दिए, तेज़पत्ता वगैरह और टमाटर और पेस्ट, मतलब जो टमाटर प्याज का जो पेस्ट था उसको डाल के, सारे मसाले डाल के अच्छे से फ्राई कर लिया है मसाला। लगभग 20 मिनट्स दिए मैंने, तब फ्राई हुआ इतना अच्छे से। अब इसमें ऐड करेंगे खूब सारा पानी, क्योंकि जो कोफ्ते होते हैं पानी बहुत सारा पी जाते हैं, तो इसमें काफ़ी सारा पानी मैंने डाल दिया है। अब इसमें अपने कोफ्ते ऐड कर देंगे और लगभग 10 मिनट्स दोबारा से जला के छोड़ देंगे। लेकिन गाइस, इसको बनाते वक्त, कोफ्ते को बनाते वक्त थोड़ा सोडा ज़रूर ऐड करें, उससे थोड़ा सॉफ्ट हो जाती हैं और उसको अच्छे से पी लेती हैं पानी को, वरना हो सकता है हार्ड रह जाए, ना पिए तो आपको अच्छा नहीं लगेगा उसका स्वाद। गाइस, टाइम ऐसा होने वाला है लगभग 2 बजने वाले हैं। हस्बैंड और पापा खाना खा चुके हैं, मैं और मम्मी लंच कर रहे हैं अभी, और बेटू तो वैसे एज यूजुअल उनका नखरे करने का तरीका कि नहीं खाना कि नहीं खाना, वही सब चल रहा है बहस अभी। गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं आपकी दोस्त हनी। गाइस, आज का जो मेरा व्लॉग है वो शुरू पता है कहाँ से हो रहा है, बहुत ही ज्यादा भरा पूरा घर है। दरअसल गाइस, ये वाला रूम बहुत ठंडा रहता है दोपहर में, और मेरा जो रूम है जहाँ एसी लगा है वहाँ काम चल रहा है। तो गाइस, अभी हम लोगों ने लंच किया, लगभग बज रहा है 2 अभी। हस्बैंड अभी गए नहीं, क्योंकि लगभग 2:30 के बाद जाएंगे पेशेंट देखने। तो मैं आ गई नीचे, मम्मी ने कहा हनी हम आ रहे हैं बेटू को खाना खिला के। दरअसल उन्हें उनके नखरे बहुत हो रहे थे, तो मैंने थप्पड़ मार दिया उनको, बेटू को गुस्से में। तो मम्मी ने कहा नहीं छोड़ो, तुम मत मारो, मैं खिला दूंगी। और वो मेरे पास आ भी नहीं रहे गुस्से की वजह से, कि मेरे को मम्मा से नहीं खाना है, अम्मा खिलाएंगी। तो गाइस, अभी अम्मा खाना खिला के आएंगी नीचे, वो भी यहाँ पे ही बैठेंगी। इनफैक्ट मैंने फ़ैन थोड़ा सा कम किया है ताकि आपको मेरी आवाज़ क्लियर सुनाई दे। और अभी बाहर किरकिर हो नहीं रही है, थोड़ा बहुत आवाज़ आपको शायद आएगी, किरकिर जैसी होगी ना तो फिर मैं बंद कर दूंगी। तो गैस, मैं यहाँ पे लेटी हुई हूँ, यहाँ बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। मैंने ये वाली जो ट्रॉली है ना, क्योंकि मेरा जो वार्डरोब है वो रेडी हो चुका है बिल्कुल, उसमें लॉक वगैरह सब लग गया, माइका वगैरह सब हो गया। तो मैंने उसको कल रात को क्लीन करा उसको, क्योंकि कल मैंने सारी कलेक्शन जो मैंने बनाया था ना, वो मेरे बेडरूम का ही वीडियो था, तो जब फैला पड़ा था सारी साड़ी, तो मैंने कहा अब इसको फोल्ड करके कौन ट्रॉली में रखेगा वापस, या ऊपर कौन लेके जाएगा, एक काम करती हूँ इसमें सेट कर देती हूँ। तो कल वार्डरोब रेडी हो गई थी, कल नहीं, इनफैक्ट वार्डरोब रेडी हुआ तो 3-4 दिन हो गए, और उसमें लॉक लगाना रह गया था, वो भी लगा दिया उन लोगों ने कल। तो फिर मैंने उसमें अपना ये वाला जो ट्रॉली है ना पूरा, उसमें लगभग कितना, लगभग 10 साड़ी रखे हुए थे, वो सब उसके अंदर रख दिए। थोड़े बहुत जो मेरे यहाँ पहले के जो मैंने कलेक्शन में आप लोग को दिखाए, वो मम्मी के सामान में रखे हुए थे, उन्हें भी उसमें निकाल के रख दिया है। अब मेरे को ऐसे धीरे धीरे जो भी सामान दिखेगा ना, मैं रात में उसमें सेट कर दिया करूँगी। इसके पीछे वाली एक और जो रेड कलर की रखी हुई है, वो मैं आज रात को खोल के देखूँगी उसमें क्या रखा हुआ है। एक ट्रॉली तो सिर्फ मेरे
मेरे सिर्फ कुर्तों से भरी हुई है, मेरे पास बहुत सारे कुर्ते हैं तो वो पूरी ट्रॉली भरी हुई है, और मेरे पास टी शर्ट्स हैं तो वो टी शर्ट्स मैं वहाँ वैसे भी नहीं पहनती हूँ, तो उनको सेट कर देंगे ऐसी जगह जहाँ पे खोला नहीं जाता हो सालों साल, क्योंकि अब मैं मेरा टी शर्ट पहनना तो तभी हो पाएगा जब मैं या तो मैं अपने मायके साइड कहीं जाऊँ, तो हो सकता है यहाँ तो मैं खैर नहीं पहनूंगी। हालांकि ऑब्जेक्शन तो किसी को भी नहीं होता, पर मुझे अंदर से अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं क्यों, शुरू से आदत नहीं है ना तो मेरे को अब अजीब सा लगता है इसलिए। तो गैस बहुत सारी बातें कर डाली मैंने, तो चलिए गैस मैं आप लोगों से मिलूंगी थोड़ी देर में जब मम्मी आ जाएंगी तब, क्योंकि वो भी यहीं पर रेस्ट करेंगी आगे, हम दोनों यहीं लेटे रहते हैं इसलिए मैं दो पिलो ले आई थी, मम्मी इधर मैं इधर ऐसे करके लेटे रहेंगे थोड़ी देर लगभग एक डेढ़ घंटे ला के। मम्मी कह रही राधे 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 राधे, बहुत नींद आ रही है। और किर वगैरह आपको सुनाई दे रही होगी, किर काए, सोचो इस किर काए में हम लोग सोने को तैयार हो गए क्योंकि इस कमरे में ठंडा है, हमें कितनी मजबूरी होती है कभी कभी इंसान की ना, अम्मी कितना भी बड़ा घर हो लेकिन इंसान घर के लिए तरसता है, एक कमरा नहीं हमारे पास अभी तो नहीं है एक प्रॉपर कमरा नहीं है हमारे पास अभी तो नहीं है, सब कमरों में तो सामान भरा पड़ा और सामान ही इतना है। हाँ नहीं तो चलिए गाइस जब सेट हो जाएगा तब होगा, सही बात है, तो मैं सेट वेट का ही तो वेट कर रही हूँ, कब सेट होगा अब बस वही 10-15 दिन अभी और। चलिए गाइस सो गई मम्मी, अभी तो नींद नहीं, मैं सो जाऊं मम्मी अभी तो नहीं आ रही, नींद आ जाएगी कभी तरह तो सो जाएंगे, नहीं तो फिर जब भी कॉल करती है उसमें भी कहता ही है अगर नींद आएगी तो सो जाएंगे, क्या कहा था अगर नींद आएगी तो सो जाएंगे। अच्छा चलो गो इधर देखो, गुड आफ्टरनून करो यहाँ पे, गुड आफ्टरनून ये छे मेरी बच्ची मार पड़ेगी। चलिए गैस मिलती हूँ थोड़ी देर में, मम्मी और मैं लेंगे झपकी ठीक है, फिर पियेंगे चुस्की वाली चाय, और हम यहाँ तुलसी नहीं तोड़ सकते ना गैस, संडे वाले दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है, इसलिए मेरी चाय में आज तुलसी की कमी रह रही है बार बार, और पता नहीं शाम की चाय की अलग ही बात लगती है मुझे। हाँ फिर भी अच्छी बनेगी चाय तो, चाय कड़ी पत्ता ना डालो क्या बोल रहे, कड़ी पत्ता चाय पत्ता मत डालो पर चाय अच्छी बनेगी। अच्छा कड़ी पत्ता मत डालो चाय, इनकी चाय में कड़ी पत्ता ही पड़ता है, नहीं साउथ इंडियन चाय बनाते हैं। चलिए गाइस हम जरा झपकी मार लेते हैं, फिर बात करेंगे उठेंगे जब तब, ठीक मम्मी एक चुस्की वाली झपकी ले ले, चुस्की वाली झपकी नहीं चुस्की वाली चाय, कितने खुश हो रहे हैं। गाइस अभी बज रहे हैं 5:20, पापा गए कहीं पे काम से तो चाय भी नहीं बना पा रहे हैं, बिकॉज उनके बिना चाय पीना बिल्कुल अधूरा सा है मामला, पहले उनकी चाय निकलेगी फीकी वाली उसके बाद फिर हमारी चाय में चीनी जाती है, तो वो प्रोसीजर करने में ही आदत पड़ चुकी है, तो अभी है नहीं पापा तो चाय भी हम थोड़ा लेट ही पियेंगे। अभी हम जा रहे हैं छत पे कपड़े उतारने, और मम्मी बेटू का दूध लेके बैठी हुई हैं और वो पी नहीं रहा है ड्राम में बाज कहीं का, मम्मी तो कपड़े उतार लाते हैं चल के हम छत पे से, हो सकता है ऊपर अच्छी हवा चल रही हो थोड़ी, डीनो पी लो यार दूध, यार तुम तंग करके रख लिया है मम्मी इसने आज, इसीलिए मेरा हाथ चला है इसके ऊपर क्योंकि ये तंग कर लेता है अच्छे से, नहीं सुनोगे क्यों, आप अपने टैडी को लातों से कर रहे हो, कैमरे पे आ गए हो आप कि ये कितना गंदा लड़का है, ये इसने अपने चीवी को भी मारा है, हिज नेम इज चीवी ओनली नो, देन लीची, इनका नाम लीची है हाँ। एक है चीवी एक है लीची, कीवी भी है कोई, कीवी है ठीक, सारे फ्रूट्स यहीं पे है मतलब, तो चलिए गए चलते हैं ऊपर जरा कपड़े वगैरह उतारते ही, फिर आते ही नहीं, सोई थी करीब 2 घंटे सोई थी नीचे घर कमरे में, इतनी अच्छी ठंडी हवा लगी मस्त 2 घंटे मुझे नींद आई, वो तो ये जगाने आया कि अम्मा पापा गांव जा रहे हैं, मैं ऊपर आई मैं अचानक से क्या हो गया अम्मा जा रही हैं गाँव, तो देखा ऊपर आके कि अम्मा के अम्मा बोल रही हैं कि बाबा ने उनसे मजाक किया था और वो जाके हमको बोल रहे हैं, अब आप फिर से अकेले रहोगी, अम्मा पापा तो गाँव जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ उनके साथ गाँव, मम्मी गवर्नमेंट से बोल रहे थे अब अकेली रहो,
मैं भी जा रहा हूँ उनके साथ। अगर आपको जान जाओ कोई आपसे कहे तो गाय का दूध निकालना। गाय का दूध निकालना। चलिए गाइस चलते हैं ऊपर। गाइस आजकल दो दो बार मशीन लग रही है हमारे घर में, इतने इतने कपड़े बेडशीट पता नहीं क्या क्या हो रहे हैं। और गाइस जिसपे कपड़े सुखाए जा रहे हैं वो दरअसल धूप का इंतज़ाम पापा ने अभी दो दिन पहले ही करवाया है, पेंट वगैरह सूख गया तो उसको अभी हम लोग अपने यूज़ में ले रहे हैं। गाइस छत पे बहुत अच्छी हवा चल रही है बट मैं छत पे नहीं जाऊंगी क्योंकि यहाँ पे मतलब जो भी सोसाइटी में लोग रहते हैं ना, सब लोग लड़कों को रेंट पे रखते हैं ना, तो सबके वो उन लोग के पास क्या होता है ना, उन लोग को गर्मी लगती है ना, वो पूरा टाइम छत पे ही बैठे रहते हैं सारे। तो अभी ऊपर हमारे बगल वाली आंटी है ना, जो उनके घर में भी कोई भैया रहते होंगे वो ऊपर बैठे हुए हैं, तो मुझे ऊपर जाने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है। अच्छा हाँ गाइस, आज मैंने देखी ये सुई धागा वाले ये पहने हैं अपने एक सब्सक्राइबर के कहने पे, सोनिया जी हैं जो बोलती हैं गोल्ड पहनो गोल्ड पहनो, तो मैंने चेंज करके देखिए एक सुई धागा वाले पहन लिए हैं। ये सुई धागा वाले बहुत ट्रेंड में आए थे 9-10 साल पहले, ये तभी से हैं मेरे पास, मुँह दिखाई में दिए थे आंटी ने। तो ये मैंने शादी के बाद लगभग एक साल लगातार मेरे कान में ये रहे थे, उसके बाद फिर मैंने पहनना छोड़ दिया, अब दोबारा से डाल लिए। ये देखिए सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे पहना गोल्ड, कैसे लग रहे हैं। मेरे पास एक और है सुई धागा वाले, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा नहीं हो सकते क्योंकि मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था इन वाले टाइप में, पर उसके जो हुकिंग वाले हैं वो जो है ना हुक वाले हैं ऐसे जो इस तरीके से डालते हैं ना, तो उसका गिरने का बहुत डर रहता है, चांस रहता है, तो मैं वो तो कभी छूती भी नहीं हूँ। लेकिन ये वाले यहाँ से इस तरीके से बंद हो जाते हैं तो ये गिरते नहीं हैं। चलिए गाइस चलते हैं नीचे, चाय पियेंगे चल के, पापा आने वाले होंगे। मम्मी ज़रा पौधों को पानी दे रही हैं, दिखाती हूँ। गाइस यहाँ पे ना अब ये डलवाने से ना इसके ऊपर टीन शेड पड़ जाएगा, तो उससे क्या ना नीचे हवा जाया करेगी पर धूप नहीं जाया करेगी, कम गर्मी लगा करेगी, इसलिए ये लगवाया गया है। तो जो कारण था मैंने आपको बता दिया। फिलहाल ये अभी कपड़े सुखाने के काम आ रहा है, यहाँ भी सुखा दिए यहाँ भी सुखा दिए। मम्मी ये लग बहुत अच्छा रहा है, इसके ऊपर अगर बेल चढ़ जाएगी ना बड़ा सुंदर लगेगा। तो गए अभी पानी लगा रही मम्मी, लाओ दो मम्मी। गाइस चाय बन रही है गर्मा गर्म, पी लीजिए एक करके, गर्मी बहुत है पर चाय की तलब ज्यादा है, है मम्मी? चाय मम्मी चाय की जो तलब है ना सारी गर्मी को दूर कर देती है। यस मम्मी कह रही गर्मी को गर्मी मारती है। गाइज़ पापा काम से कहीं फंस गए थे तो आज मैं और मम्मी चाय पी रहे हैं और पापा के लिए बाद में बनाएंगे। और गाइज़ हम लोग चाय पीने बैठते हैं तो ऐसा लगता है कोई आया है गेट पे, तो कभी मम्मी उठ के जाके देखें कभी मैं उठ के जाके देखूं, यही लग रहा है कि नहीं कोई तो आया है। फिर मैं पूछ रही कौन आया है पर कोई भी नहीं। देखिए मैंने अभी वार्डरोब को क्लीन करके, क्योंकि इसमें सब वार्डरोब में लग चुके थे गेट वगैरह, मैंने आपको सब दिखाए थे कल, और ये वाला मैंने सारी आपको लास्ट जो मेरी कलेक्शन मैंने एक साल पहले दिखाई थी तब दिखा दी थी, और थोड़े बहुत कपड़े यहाँ भी हैं नीचे। मैं दरअसल नीचे आई हूँ अपने कमरे में, थोड़ा सा एसी की हवा खाने, बहुत गर्मी थी ऊपर, चाय पी तो और ज़्यादा लगी, और व्लॉग भी एंड करूँगी। तो व्लॉग एंड करने से पहले मैंने सोचा आपको दिखाती हूँ कि मैंने वार्डरोब में रखा क्या। दरअसल तो कल जितनी भी मैंने साड़ियाँ मतलब आप लोग को दिखाई थी कलेक्शन, तो वो मैंने ऐसी लगा दी, थोड़ी बहुत और लगा दी। अभी इनफैक्ट मैं नीचे से एक ट्रॉली और लेके आऊँगी, उस कमरे में रखी हुई है, उसको भी खोल के सोच रही हूँ लगा दूँ। और अभी भिंडी की सब्ज़ी बनेगी, तो भिंडी की सब्ज़ी तो मैंने बस प्याज वगैरह चॉप कर दिया है, तो मम्मी ने कहा अब तुम अपना काम कर लो, भिंडी की सब्ज़ी तो मैं बना दूँगी। तो गैस मम्मी भिंडी की सब्ज़ी बनाएंगी क्योंकि कोफ्ते दोपहर में बच गए थे थोड़े, तो मम्मी ने कहा था दो सब्ज़ियाँ काफ़ी हैं, तो इस तरीके से हमारा डिनर हो जाएगा आज का। और गैस अब मैं ब्लॉग एंड कर रही हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से कल अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए सायोनारा बाय।